अस्सलाम वालेकुम, फोर्ट्स न्यू जर्सी से नज़र चौहान आज के वीलॉग के साथ हाजिर। आज से मैं सिर्फ 5 मिनट का वीलॉग किया करूँगा क्योंकि मुझे ज़रा ब्लॉग लिखना मुश्किल है और सिर्फ 5 मिनट मैं ये जो डिजिटल स्पेस यूज़ कर रहा हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर 1300 सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक पर कोई 3100 फॉलोअर्स हैं, ट्विटर पे कोई 4000 फॉलोअर्स हैं, ये स्पेस आपकी मर्ज़ी है। मैं अपने आप को एज़ अ रूहानी शख्सियत रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ अपने अफकार से, अपने कॉल से, ये जो कुछ भी मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, फील करता हूँ। इसमें मुझे आपकी कोई राय की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की तालियों की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई पैसे, मकबूलियत, शोहरत, आई हेट इट। बेशक मेरी फॉलोअरशिप 0 रहे, आई ओनली यूज़ दिस डिजिटल स्पेस फॉर दैट। कल एक बच्चे ने पाकिस्तान से मुझे मैसेज भेजा था कि सर आप कैसी रूहानी शख्सियत है, आप बहुत गालियां देते हैं और ये वो इस तरह की चीज़ें। तो मैंने उसे कहा बेटा आप काश समझ सकते मैं गालियां क्यों दे रहा हूँ। दरअसल शायद आपको ये इल्म नहीं है कि सूफी लोग, सूफियों ने जो बियॉन्ड रिलीजन स्पेक्ट्रम में गए, हिंदुओं में से भी, मुसलमानों में से भी, आई कैन प्रूव, बहुत ज़्यादा गोरों से मथा लिया, गोरों से टक्कर ली, वो बहुत लोग शहीद हुए 1857 में भी, उससे पहले भी, उससे 100 साल पहले तक जब उन्होंने गोरों से टक्कर ली रखी। क्या ख्याल है आपका, गोरे बहुत खुश होते थे बाबा फरीद को महफिल लगाई देख के या किसी और सूफी बुजुर्ग को, वो बहुत खुश होते थे। बेसिकली वो उनके उनके सॉर्ट ऑफ एक लावा था जो पक रहा था। और देखें लाल शहबाज कलंदर ने तो किला ही उल्टा दिया। आप बेटा गालियों की बातें कर रहे हैं, गालियां तो कुछ भी नहीं है, इसको गाना शाना कहने। आज देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, अल्टीमेटली फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तारीख पड़ गई ना जी, अंसार अब्बासी और ये सारे फ्राडिये, शमीम, लतीफ़ अफरीदी, आमिर गौरी सारे नंगे हो गए ना। ये आमिर गौरी फौज के खिलाफ सेमिनार लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में करवाता था, ठीक है जी। तो इन चीज़ों पर ज़रा बेटा आप गौर कीजिए। दूसरी चीज़ जो इस वक्त हो रहा है, नवाज गांडा वापस आएगा, ठीक है ना जी, कुदरत ने इसको सजा देनी है। और ये मुकाबला अब ये रेज कर रहा है, कल वो खरियां खरियां वाला बदमाश जो उधर है बैठा लंदन में, वो कह रहा था कि जी इमरान खान का और जनरल बाजवा का पंगा हो गया। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जनरल बाजवा वो साहिर शमशाद मिर्ज़ा और अज़हर अब्बास आर वर्सेस फैज़ हमीद एंड इमरान खान, लेकिन ये जीत नहीं सकेंगे। नवाज गांडा भी यही एश्योरेंस, जरदारी भी इस्लामाबाद में यही कर रहा है कि किसी तरह लोलू पोपू करके कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जनरल बाजवा ने इनको कहा है कि आप असेंबली के थ्रू आ जाए, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है ना जी। सिर्फ वजीर आजम एक और चाहते हैं जो कि शमशाद मिर्जा, अज़हर अब्बास या इनमें से किसी को बना सके। अमेरिका भी इसी ट्रायो को सपोर्ट कर रहा है, लेट्स सी आने वाले वक्तों में क्या होता है। बाकी ये मेरी रूहानियत वाली बातें जो है ना, ये इनको इनके ओरिजिनल पर्सपेक्टिव में आप लिया करें। आपके पास चॉइस है मादी जिंदगियों को अरूज पे पहुंचाने की और रूहानियत को। ये जो मुनाफ़त है ना जो लखनऊ वाले लाए थे, आपकी तबीयत दुश्मना नासाज है, ये नहीं कहना कि नजर साहब आप बीमार हैं, मुझे पता लगा है तबीयत दुश्मना नासाज है, ये बदमाशी, ये इससे बाहर निकले, टोटली बाहर निकले। अपना बहुत ख्याल रखें, अगले वीलॉग के लिए अब मैं रोज़ वीलॉग किया करूँगा, सिर्फ और ब्लॉग मेरे लिए करना मुश्किल है। अल्लाह ने कहा।